नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सहरा। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी कोर्स को गाने में अप्लाई कैसे किया जाता है, तो बने रहिए पूरे वीडियो में ताकि आप जान सकें किसी कोर्स को गाने में अप्लाई कैसे करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं और संगीत से जुड़ी सभी जानकारियां आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। आज हम सीखेंगे किसी कोर्स को गाने में अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, कोई भी गाना या तो वो मेजर स्केल में होता है या वो माइनर स्केल में, दोनों ही स्केल के कोर्ड का सीक्वेंस अलग अलग है। इन दोनों का सीक्वेंस मैंने आपको पहले भी दिया है, इस वीडियो में भी मैं आपको चित्र के माध्यम से इन दोनों स्केल के कोर्ड्स का सीक्वेंस दे रहा हूं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोर्ड्स का यूज हम तब करते हैं जब गाने में सॉन्ग में कहीं पर ठहराव आता है। आज हम एक सॉन्ग माइनर स्केल में और एक सॉन्ग मेजर स्केल में लेंगे। दोनों ही स्केल के सॉन्ग में हम बारी बारी से कोर्ड्स यूज करके देखेंगे। पहले हम एक मेजर स्केल का गाना लेते हैं। वैसे तो गाना किसी भी मेजर स्केल में हो सकता है, लेकिन मैं आपको सी शार्प मेजर स्केल यूज करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसी को ही हम ज्यादा यूज करते हैं ताकि आपको आसानी हो और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों, ये है हमारा सी शार्प मेजर स्केल। इसके कोर्ड का सीक्वेंस जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसमें 7 कोर्ड हैं, लेकिन जब हम गाने में यूज करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 कोर्ड में ही ये गाना कंप्लीट हो जाएगा। वो कौन कौन से कोर्ड हैं? किसी भी मेजर स्केल का पहला कोर्ड और चौथा कोर्ड और 5वां कोर्ड। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, फर्स्ट कोर्ड हमारा है सी शार्प मेजर कोर्ड और फोर्थ कोर्ड है एफ शार्प मेजर कोर्ड और फिफ्थ कोर्ड है जी शार्प मेजर कोर्ड। ज्यादातर गाने इन्हीं 3 कोर्ड में ही बज जाते हैं। इसका जो जरूरी तरीका है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जब भी हम किसी स्केल के सा पर रुकेंगे तो उस पर हमारा पहला कोर्ड, जैसे हम सी शार्प मेजर स्केल ले रहे हैं तो उसमें हमारा फर्स्ट कोर्ड होगा सी शार्प मेजर कोर्ड, तो इसमें अगर हम सा पर रुकेंगे तो सी शार्प मेजर कोर्ड, रे पर रुकेंगे तो जी शार्प मेजर कोर्ड, गा पर रुकेंगे तो सी शार्प मेजर कोर्ड, मा पर रुकेंगे तो एफ शार्प मेजर कोर्ड, पा पर रुकेंगे तो सी शार्प भी लग सकता है और जी शार्प भी लग सकता है, धा पर रुकेंगे तो एफ शार्प, नी पर रुकेंगे तो जी शार्प और सा पर रुकेंगे तो सी शार्प मेजर कोर्ड। इस तरह से ये 3 कोर्ड किसी भी मेजर स्केल में यूज हो सकते हैं। देखिए, हम गाना लेते हैं छूकर मेरे मन को। फर्स्ट लाइन हमारी है छूकर, इसमें हमारा लगेगा सी शार्प मेजर कोर्ड, क्योंकि सी शार्प मेजर कोर्ड में ये स्वर आ रहा है। छूकर मेरे मन को, अगला ठहराव हमारा रे पर आया तो इसका कोड हमारा होता है जी शार्प मेजर कोड। छूकर मेरे मन को, नेक्स्ट लाइन किया तूने,
ये हमारा नी पर रुक रहा है, इसलिए इसमें भी जी शार्प मेजर कोड आएगा। किया तूने क्या इशारा, ये हमारा सा पर रुका, तो इसमें सी शार्प मेजर कोड। अब पूरी लाइन एक बार फिर से देखेंगे। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। बदला ये मौसम, ये हमारी लाइन पास से शुरू हो रही है, तो सी शार्प मेजर कोड लगेगा। बदला ये मौसम, ये धा पर रुकी, तो यहां पर एफ शार्प मेजर। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, लगे प्यारा नी पर चल रहा है, तो इसमें हमारा जी शार्प मेजर कोड। लगे प्यारा जग सारा, लास्ट में हमारा सी शार्प मेजर कोड। किसी भी मेजर स्केल के कोड के सीक्वेंस का फर्स्ट कोड, फोर्थ कोड और फिफ्थ कोड, अगर ये ट्रिक आप याद कर लें तो किसी भी मेजर स्केल को आप आसानी से कोड्स में बजा सकते हैं। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। छू कर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को या तूने क्या इशारा। अब हम अंतरे की तरफ चलेंगे। तू जो कहे जीवन भर, ये गा से शुरू हो रहा है, तो इस पर हमारा लगेगा सी शार्प मेजर को। तू जो कहे जीवन भर, तेरे लिए मैं गाऊं, ये हमारा सा पर रुक रहा है, तो सेम सी शार्प मेजर कोड ही लगेगा। तेरे लिए मैं गाऊं, नेक्स्ट लाइन तेरे लिए मैं गाऊं, ये हमारा जी पर रुक रहा है, तो सेम सी शार्प मेजर कोड। अब एक बार हम तीनों लाइन एक साथ देखेंगे। तू जो कहे जीवन भर, तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। सेम लाइन है, इसलिए सेम कोड ही लगेगा। अब आगे चलेंगे। तू ही मेरा जीवन, तो ये पास से शुरू हुआ, तो हमारा कोड लगेगा सी शार्प मेजर कोड। तू ही मेरा जीवन, यहां रुके तो हमारा कोड लगा एफ शार्प मेजर। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, ये नी से शुरू हुआ, तो इस पर कोड लगेगा जी शार्प मेजर। तू ही जीने का सहारा, सा पर खत्म हुआ तो सी शार्प मेजर। तो इस प्रकार से तीन कोड में ही ये पूरा सॉन्ग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं माइनर स्केल की तरफ। माइनर स्केल में भी हम सी शार्प माइनर स्केल लेंगे ताकि आपको आसानी हो। वैसे तो गाना आप कोई भी माइनर स्केल में बजा सकते हैं। यहां पर हम
एक गीत लेंगे, एक प्रार्थना लेंगे। हर देश में तो, हर वेश में तो तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। ये सॉन्ग हमने सी शार्प माइनर स्केल में लिया। जैसा कि आपको सी शार्प माइनर स्केल का सीक्वेंस चित्र में दिख रहा है, ऐसे ही इसमें भी तीन कोड यूज करके हम कोई भी माइनर स्केल का गाना बजा सकते हैं। वो तीन कोड हैं, फर्स्ट कोड, सिक्स्थ कोड और सेवंथ कोड। फर्स्ट कोड हमारा माइनर है, सिक्स्थ कोड हमारा मेजर है और सेवंथ कोड भी हमारा मेजर है। तो हम इस गाने में यूज करके देखते हैं। फर्स्ट लाइन हमारी है हर देश में तो, फर्स्ट लाइन हमारी सा से शुरू हुई, तो फर्स्ट कोड हमारा लगेगा सी शार्प माइनर कोड। हर देश में तो, अब हम पा पर रुके तो वहां पर भी सी शार्प माइनर कोड ही लगेगा, क्योंकि सी शार्प माइनर कोड में ये नोट भी आ रहा है। हर देश में तो, हर वेश में तो। अब हम यहां पर रुके तो यहां पर हमारा कोड लगेगा बी मेजर। ये हमारा सी शार्प माइनर स्केल के कोड्स के सीक्वेंस का सातवां कोड है, बी मेजर। फर्स्ट कोड हमारा है सी शार्प माइनर और सेवंथ कोड हमारा है बी मेजर और सिक्स्थ कोड हमारा है ए मेजर। इन तीनों कोड को ही यूज करके हम पूरा गाना बजा देंगे। जैसा कि आपने पहली लाइन देखी, हर देश में तो, हर देश में तो अब हमारा यहां पर रुका, यहां पर हमारा कोड लगेगा बी मेजर। हर देश में तो, हर देश में तो। नेक्स्ट लाइन, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। ये लाइन हमारी यहां से शुरू हुई और इसी पर ही हम ठहराव ले रहे हैं। तो ये जो नोट्स है वो हमारा बी मेजर में आ रहा है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है हमारा यहां पर आया तो सी शार्प माइनर कोड लगेगा। तो ये हमारी स्थाई कंप्लीट हो गई है। अब हम अंतरे की तरफ चलेंगे। सागर से उठा बादल बन के, से शुरू हो रहा है और सा पर ठहराव आ रहा है, तो ये सी शार्प माइनर में दोनों ही नोट आते हैं, तो इस पर हमारा लगेगा सी शार्प माइनर कोड। सागर से उठा बादल बनके, नेक्स्ट लाइन, बादल से गिरा जल हो करके। नेक्स्ट लाइन हमारी नी पर रुक रही है, नी पर ठहराव आ रहा है, तो इसमें लगेगा हमारा बी मेजर कोड। बादल से गिरा जल हो करके। के हमारा पा पर रुका, इसलिए सी शार्प माइनर कोड। उसके बाद स्थाई फिर से आ जाएगी, सेम कोड वैसे ही यूज होंगे। फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। इस प्रकार से ये माइनर स्केल का गाना भी हमने पूरा कर लिया। दोनों स्केल का हमने एक एक गाना सीखा,
दोनों स्केल के कोर्ड्स का सीक्वेंस मैंने आपको चित्र में दे दिया है और इन दोनों की ट्रिक एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं। मेजर स्केल में फर्स्ट कोर्ड, फोर्थ कोर्ड और फिफ्थ कोर्ड का यूज करके हम कोई भी गाना बजा सकते हैं, और माइनर स्केल में माइनर स्केल के सीक्वेंस का फर्स्ट कोर्ड, सिक्स्थ कोर्ड और सेवंथ नंबर का कोर्ड यूज करके हम कोई भी गाना बजा सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों ट्रिक का यूज करके आप किसी भी गाने में कोर्ड्स का यूज कर सकते हैं। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर भी समय समय पर मैं संगीत से जुड़ी जानकारियां देता रहता हूं, और अगर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप मुझे सजेशन बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपकी सभी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो देखते रहिए मेरे सभी वीडियो, ताकि और नई नई जानकारियां, नए नए वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।